देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज, मैं रमेश कुमार यादव। आइए आपको दिखाते हैं खबरों की हकीकत। मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी। बलिया मिशन शक्ति अभियान के तहत राम सुंदर स्मारक चिल्कर की बच्चियों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें शिक्षक नेता डॉक्टर कृष्ण मोहन यादव जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वविलंब के लिए सरकार के निर्देश पर चलाया गया यह अभियान बालिकाओं के लिए आवश्यक है। समाज में सभी प्रकार के लिए भयमुक्त और सुरक्षा वातावरण होना आवश्यक है। इसके बाद छात्र अर्चना यादव ने बताया कि इस अभियान से बालिकाओं एवं महिलाओं को एक बल मिलता है, जिसके बल पर हम लोग भी मेहनत करके समाज में एक स्थान बना सकते हैं और ऊंचाइयों पर पहुंचा जा सकता है। आप देख रहे हैं सदानंद शर्मा की रिपोर्ट। आप अपने को शिक्षा पा करके देश के सर्वोच्च स्थान पर जाने का काम करेंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, अपने अध्यापकों का जो कि आपको शुरू से पढ़ाए लिखाए समझाए है, एक गुरु के सहायता से ही आपको ज्ञान दिया है, इसलिए विनम्रता पूर्वक हमेशा सम्मान करना सीखना और सम्मान करोगे तो सम्मान मिलेगा और हम लोग ये सिखाते भी है, इसलिए आज हम लोग अपने पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से इस मिशन शक्ति अभियान में सभी बालिकाओं को उनके सुरक्षा और सम्मान के लिए वचनबद्ध है और सरकार के द्वारा जो मिशन चलाया जा रहा है उस मिशन की सफलता में हम लोग ये जागरूकता फैला रहे हैं। इसके लिए इस अभियान में शामिल होने के लिए सभी बच्चियों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और साथ ही विद्यालय परिवार के सभी अध्यापक को भी। और मैं इसी के साथ कोई अगर बालिका कुछ कहना चाहती हो तो आ सकती हो। मेरे भाई बहन मेरे उपस्थित है, मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ। जो ये सरकार ने चलाया है अभियान बहुत ही अच्छा है, इसे सभी महिलाएं निडर होकर जो चाहे वो पढ़ सकती हैं और आगे भी बढ़ सकती हैं, इसीलिए उन्हें बहुत इससे उन्हें मदद मिली है, इसी के कारण वो बाहर निकल सकती हैं और आगे जाके कुछ कर सकती हैं। इससे पहले उन्हें निकलने का अधिकार नहीं था, जिससे वो जान करके कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन अब ऐसा कोई बात नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकती हैं और इसकी साथ इनके साथ जो की है सरकार ने बहुत अच्छा किया और इसमें हमारे गुरुजनों का भी बहुत सहयोग है, अगर वो नहीं होते तो हम ये नहीं कर पाते, इसलिए हम गुरुजनों का आभार व्यक्त करते हैं और सरकार के लिए भी धन्यवाद जो जिन्होंने महिलाओं के लिए सोचा और ये किया, धन्यवाद।